फिर से वो फिर से मतलब गिर गया। तुम क्या हमेशा फॉल इन होते हो? वो तुम्हारे सामने होता है ऐसा क्या? मतलब वो मेरे साथ होता है कभी कभी। मुझे लगा फिर से गिर जाओ। घर पे आओ, जल्दी आओ। अच्छा आओ। आती हूँ। थैंक यू। बैठ जाओ। सिट। कुछ लोगे? नहीं ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें ये नोट्स देने आई थी। ओह शिट, मुझे पहले ही मना करना चाहिए था तुम्हें। मतलब क्यों? मैं आउट ऑफ स्टेट थे ना, तो मेरा एडमिशन का फॉर्म फिलअप था सेमेस्टर का, तो मैं वो नहीं कर पाई, तो गया मेरा एग्ज़ाम इस बार भी। आई एम सॉरी। ओके ये लो। ये क्या है? नोट्स है ना, मैंने बोला ना मैं नहीं दूंगी। ठीक से देखो। मेरा फॉर्म फिलअप कौन किया? नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला? वो तुम तो आउट ऑफ स्टेट थी, और कुछ दिन पहले तुम्हारी फोटोग्राफर वाली फ्रेंड माही से मुलाकात हुई थी मुझे मेरे रास्ते में, तो उसी ने बोला कि तुम्हारा एडमिशन का डेट आ गया और तुम तो नहीं थे, तो उसी से सब डिटेल्स लेके मैंने भर लिया। आजकल के टाइम पे पता है कोई फ्रेंड भी नहीं करता इतना बड़ा हेल्प। अगेन थैंक यू। वेलकम। वैसे मैं चाहती हूँ तुम इस बार अच्छे से पढ़ाई करो और पास करो। ऐसा लगता है तुम्हें? अगर चाहोगे तो पॉसिबल है। लेट्स सी। हाँ तो पढ़ाको, मीन सॉरी आरियाना, कब से पढ़ाओगे? देखो तुम जब चाहोगी मैं पढ़ा सकती हूँ वीकेंड्स में। नहीं अब वीकेंड में ना, तो ठीक है, मुझे लगा वीकडेज में। वीकडेज में मेरा ऑफिस रहता है। थैंक गॉड ऑफिस रहता है। मैं रोज़ तो लीव नहीं दे ले सकती ना तुम्हारी प्रोजेक्ट के लिए। बहुत अच्छा लगा सुन के। अब तो धीरे धीरे आरू की बचपना भी आरियाना को अच्छा लगने लगा था। आरू की पागलपंती देखना तो रियाना का आदत बन चुका था। आरियाना जितना शांत, आरू उतना ही चंचल। कुछ दिन पहले तक तो आरियाना की कोई फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि इंट्रोवर्ट आरियाना कभी इनिशिएट ही नहीं लिया किसी के साथ फ्रेंडशिप के लिए। काम, पढ़ाई वगैरह वगैरह सब कुछ इतने दिन तक आरियाना अकेले ही करती थी। लेकिन अचानक से आरियाना के लाइफ में आरू की एंट्री आरियाना का लाइफ पलट दिया था। इसके बाद से दोनों अक्सर मिलने लगे। बातों की मेरी चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, हो, ओ,
हवाए हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। हर रोज पूछे हैं ये हवाए हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। अब फिर से है तेरे पोस्ट कर देती हूँ। हाँ, उसके बाद पहला तुम्हें टैग कर, तुम इंस्टा पे हो ना? नहीं, इंस्टा ओपन में कर दूँगी, मुझे नहीं करना है। ओ शेर, मैं मेरे नेल पे नेल पॉलिश नहीं है, मैं पिक्चर देख के पता चला। एक मिनट, मैं नेल पॉलिश लाई हूँ, मेरे बैग में ही, मैं लेके आती हूँ। ओके तो एक काम करो, तुम पढ़ाओ, मैं थोड़े से पहले आती हूँ। अभी मैं दो ही लाई हूँ, ठीक है? मेरे घर पे बहुत सारे हैं, कुछ जो मर्जी बोलो ना प्लीज। दोनों ही अच्छे हैं, कुछ तो बोलो। तुम्हें इस सब में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। पढ़ा तो पढ़ो, पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा। पहले ये ओपन कर दो, नहीं हो रहा मुझसे। मैं हाँ हाँ ओके हाँ पढ़ाओ ना। क्या काम करो तुम ना, नेल पॉलिश करवा दो मुझे। मैं तो एक गलती से पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। तुम पढ़ रही हो या मैं पढ़ रही हूँ? कोई बात नहीं, मैं तो सुन रही थी ना, मैं समझ रही थी, तो मेरे दिमाग में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था तो मुझे नहीं आता। मैं सिखा देती हूँ, थोड़ा सा पकड़ो ये वाला नहीं सर, हाँ ये वाला दो, इसको रखो थोड़ा सा पढ़ा को खिला, दिमाग मत खाओ। लो पकड़ो, पकड़ो, इसको ओपन करो। ओपन करना आता है ना? अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? मैं पहली बार लगा रही हूँ। अच्छा है ना, तुम मुझसे कुछ सीख रहे हो। हो गया क्या? हाँ। वाह, सो स्वीट ऑफ यू।
हो ये वाला मैं कर रही हाथ में लग गया क्या हाथ ये हमारी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग समझ पाए कुछ अच्छा अब बहुत हो गया अब पढ़ाई करते हाँ हाँ सर पढ़ाती है पास करना है ना इस बार इट्स माय चांस क्या हुआ मेरे सर पे दर्द हो रहा है इतना पढ़ पढ़ के ठीक है मैं मेडिसिन लेके आती हूँ नहीं मेडिसिन नहीं चाहिए मुझे मेडिसिन लेना पसंद नहीं है बात बात पे तो तू कॉफ़ी पियोगी कॉफ़ी कौन पीता है चाय पियो मैं कॉफ़ी पीती हूँ मेरे लिए चाय लेके आना ठीक है थैंक यू फराको सुनो नजर ले आना हाँ। मुझे लेट हो रहा है ठीक है